हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशबू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को वड़ा पाव बनाने की रेसिपी दिखाने वाली हूँ और बहुत ही अच्छा बताऊंगी। तो चलो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 3-4 कली है लहसुन की, ये टमाटो कटिंग है बारीक, ये पुदीना है और ये 3 हरी मिर्ची है और ये धनिया है। अब हम इसके नमक और जीरा डाल के चटनी बना लेंगे। हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम वड़े की तरफ चलते हैं। हमने बॉयल आलू को मैश कर लिया है, उसमें हरी धनिया और ग्रीन चिल्ली और जीरा का पाउडर और थोड़ी सी हमने नमक और हल्दी डाल के इसे गोल गोल बना के वड़े के जैसे रख लेंगे। इस तरह हमें लोई बना के रख लेनी है, आलू की टिक्की जैसी। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। अब हम आलू को इस तरह बेसन में लपेट लेंगे, तेल में ऐसे डालेंगे और स्लो आंच में पकने देंगे। इस तरह धीरे धीरे इसमें और भी वड़े हम छोड़ते जाएंगे और स्लो आंच पे इसे पका लेंगे दोनों साइड से। बारिश हो रही है और इसमें वड़ा पाव खाने का गरम गरम मजा ही अलग होता है। इसे इसी तरह धीमे धीमे हम पकाएंगे और दूसरे साइड भी पलट के भी स्लोली स्लोली अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब हम पाव के अंदर चटनी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनली वड़ा पाव बन के रेडी हो गया है। कैसा लगा रेसिपी आप बताएं हमें कमेंट करके, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।